ओम पितृ देवताभ्याम नमः। इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है हमारे पितरदेव, साल भर में जो 16 दिन के लिए आते हैं और हम सब की ओर देखते हैं, यानी अपने वंशजों की तरफ देखते हैं कि वो उनके नाम पर कुछ दान पुण्य करेंगे, उनकी श्राद्ध करेंगे, पिंड दान करेंगे। ऐसा कहते हैं कि जो गया जी एक बार पिंड दान करके आ जाते हैं उन पूर्वजों के नाम का, फिर पिंड दान ना करके उनके नाम से फिर हमको दान करना चाहिए सिर्फ, और श्राद्ध वगैरह उनका कर देना चाहिए, सिर्फ पिंड दान उनके नाम से फिर नहीं किया जाता है, ऐसी मान्यता है। और जिस पूर्वज की जिस तिथि पर मृत्यु हुई होती है, पूर्णिमा, अमावस्या और परवा से लेकर के चतुर्दशी तक, उसकी उसी तिथि पर श्राद्ध की जाती है, उसके नाम से दान पुण्य किया जाता है। और हम अपने पूर्वजों के देहांत की तिथि यदि हमें याद नहीं है तो फिर ऐसे सभी पूर्वजों की श्राद्ध जो है ना वो अमावस्या के दिन की जाती है, यानी पितृपक्ष के अंतिम दिन उनकी श्राद्ध की जाती है दादा परदादों की। और यदि हमें दादियों परदादियों किसी की ऐसी श्राद्ध तिथि मालूम नहीं तो उनके लिए मातृनवमी के दिन किया जाता है, जो आज मातृनवमी की श्राद्ध हुई है सुबह, और कल दोपहर बाद से मातृनवमी शुरू हो गई थी, आज तक चली है, फिर आज ही दोपहर के बाद दशमी का श्राद्ध हुआ है, कल दोपहर के बाद एकादशी का श्राद्ध हो किया जाएगा। तो एकादशी का श्राद्ध विधि मुहूर्त सामग्री की पूरी लिस्ट हम आपको इसमें बताएंगे, क्योंकि एकादशी का श्राद्ध इसमें चावल का दान नहीं करना चाहिए, ना चावल पकाना चाहिए, थोड़ी सी सावधानी इसमें अन्य श्राद्ध के दिनों से बरती जाती है, सब हम आपको बताएंगे, और श्राद्ध का मुहूर्त भी बताएंगे तथा सामग्री लिस्ट भी देंगे। सभी जो भी चैनल पर हमारे पहली बार हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने भोले बाबा के नाम पर भोलेनाथ के चरणों में सब्सक्राइब और लाइक समर्पित करके हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि भोलेनाथ महादेव हैं, देवों के देव हैं, आदि देव हैं, सबसे पुराने पूर्वज भी मान सकते हैं हम उनको। इसीलिए पितृदोष से जो भी पीड़ित हैं उसमें महादेव की पूजा बहुत फलित होती है। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, हमारे चैनल के अन्य वीडियो भी देखें, अच्छे लगें तो उनको लाइक कर दें, शेयर कर दें, आपका एडवांस में धन्यवाद। अब हम आपको मुहूर्त बता रहे हैं, कुतुप मुहूर्त, ये है सुबह कल 11:48 से 12:36 तक, इसका 48 मिनट का मुहूर्त है। उसके बाद रोहिण मुहूर्त शुरू हो जाएगा 12:36 से दोपहर में 1:24 तक, यानी ये भी 48 मिनट का ही है। फिर नेक्स्ट है अपराहन काल का, दोपहर के बाद का 1:24 से लेकर के 3:48 तक का, दोपहर के 1:24 PM से 3:48 PM तक रहेगा, ये है 2:24 का, लगभग 2.5 घंटे का समय। इसके बाद श्राद्ध का समय नहीं रहेगा, 3:48 के बाद श्राद्ध न करें। और यदि आपको श्राद्ध करने के लिए मौका मिलता है कोई जलाशय, पवित्र जलाशय आपके जहाँ आप रहते हो उसके आसपास या कुछ किलोमीटर की रेंज में नदी है, कोई भी नदी हो, बहता हुआ जल मिल जाए तो आपको इसका करोड़ों गुना फल मिलेगा, क्योंकि जलाशय या नदी के किनारे और उस पर गंगा नदी यदि मिल जाए फिर तो कहना ही क्या, फिर तो सोने पर सुहागा है, यानी बहुत अधिक शुभ है। यदि आपके आसपास ऐसी जगह है जहाँ गंगा नदी बह रही है, ऐसी जगह पर आपको भगवान ने दिया रहने के लिए, पवित्र नदी गंगा आपके आसपास कहीं बहती है तो वहाँ ज़रूर करें। और यदि जाना चाहें तो प्रयागराज भी जा सकते हैं, काशी विश्वनाथ के घाट पर जाके कर सकते हैं, इससे पितरों को करोड़ों गुना फल मिलता है आपके पूजा पाठ का। और अब हम आपको बताएंगे श्राद्ध की विधि, फिर सबसे लास्ट में बताएंगे पूजन की सामग्री। और यदि आप कहीं और ना जा पाएँ तो आप ऐसी जगह करें जहाँ थोड़ी दूर पर कम से कम तुलसी का पौधा लगा हो, जो भी आपका पंडित पुजारी आकर के मंत्र बोले तो तुलसी तक आवाज़ जानी चाहिए।
तो भी आपको हजारों गुना फल मिलेगा। अब श्राद्ध विधि किसी अच्छे विद्वान ज्ञानी ब्राह्मण या ऋषि को बुलाएं श्राद्ध कर्म पिंडदान तर्पण करवाने के लिए, अज्ञानी को ना बुलाएं, क्योंकि श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से जो भी मंत्र पूजन किया जाता है वह बहुत फलीभूत होता है। ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, साथ ही आप किसी गरीब ज़रूरतमंद की सहायता भी आप अपने जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग पितरों के नाम पर कर सकते हैं, तो आप पितरों को बड़ा पुण्य मिलता है उसका। इसके साथ साथ आप कुछ जानवरों को भी भोजन कराएं, जिसमें मुख्य आता सबसे पहले गाय, फिर कुत्ता, फिर कौवा, फिर आप अन्य पशु पक्षियों को भी भोजन का एक अंश जरूर डाल दें। यदि संभव हो तो मैंने जैसा कि पहले ही बताया गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाएं, यदि ना संभव हो तो किसी भी नदी के किनारे पहुंच जाएं, वहां श्राद्ध करें। यदि इतना भी संभव ना हो तो कोई जलाशय या तालाब हो उसके किनारे पर श्राद्ध करें, ये भी संभव ना हो तो कम से कम जहां आप श्राद्ध करें बैठ करके पूजन पाठ हो मंत्र बोले जाएँ वहाँ से 4-6 फीट की दूरी पर तुलसी का पौधा अवश्य रख लें, तो हजारों गुना फल तब भी मिलेगा पूर्वजों को। और जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को आप एक ब्राह्मण दो ब्राह्मण अपनी श्रद्धा के अनुसार भोजन करवाएं, भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करें। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए, सुबह के समय नहीं की जाती। कभी भी 10:30-11:30 बजे से पहले श्राद्ध कर्म की शुरुआत कभी ना करें, क्योंकि यदि आप 11:30-11:40 से शुरू करेंगे तो फिर तो आपको लगभग 12:30 बज ही जाएगा, यानी दोपहर का समय आ जाएगा। इसीलिए कुतुब मुहूर्त है वो 11:48 से 12:36 तक है सबसे पहला मुहूर्त, क्योंकि सुबह श्राद्ध की पूजा नहीं की जाती है और दोपहर के बाद करेंगे सबसे ज़्यादा फलीभूत होगी। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रों का उच्चारण करवाएं, पूजा के पश्चात फिर अपने पितरों का पिंड और जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय कुत्ते कौवे आदि का हिस्सा अलग कर दें, कुछ लोगों में आप प्रसाद रूप भी बांट सकते हैं इसको। और जब आप गाय कुत्ते कौवे और अन्य पशु पक्षियों को डालें भोजन, तो अपने पितरों का स्मरण करें, मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करें। अब आप नोट कर लीजिए पूजन सामग्री जिसका बड़ा ही योगदान रहता, वैसे तो आप जिस योग्य पंडित को बुलाएंगे वो आपको पूजन सामग्री अवश्य बता देगा, फिर भी यदि आप पिंडदान नहीं कर रहे हैं, पंडित नहीं बुला रहे, अपने आप ही यूं ही किसी का आपने निमंत्रण कर दिया जो पिंडदान नहीं करवा पाता, तो फिर आप ओम श्री विष्णवे नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। जब भोजन बनाएं तो घर की मुख्य महिला इस मंत्र का जाप करें, और जेंट्स लोग हैं जो घर वह भोजन कराएं जिनको भी, तब ये मंत्र जाप करते रहें तो आपके पितरों को बड़ा ही पुण्य फल प्राप्त होगा। अब श्राद्ध की पूजन सामग्री में रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, कलाबा जिसको रक्षा सूत्र कहते हैं, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी 100 ग्राम लगभग, माचिस, शहद, काला तिल, तुलसी पत्ता, पान का पत्ता, जौ का आटा, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई की बत्ती, अगरबत्ती, दही, जौ का आटा, गंगा जल, खजूर यानी मेवा बता रहे हैं, केला, सफ़ेद फूल, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर और चावल, मूंग, इतनी चीज़ें अवश्य रख लें। एक दो चीज़ रह जाए तो फिर माफ़ी मांग लें उसके लिए मन ही मन अपने पितरों से। वैसे ये वो सारी चीज़ें जिन्हें कोई भी खरीद कर अपने पितरों का ठीक से पिंडदान और उनके नाम पर दान कर सकता है। पितरों का भरपूर आशीर्वाद पाने के लिए इतना काम अवश्य करें और भरपूर सुख समृद्धि प्राप्त करें, क्योंकि पितर जब प्रसन्न हो जाते हैं तो इतना धन देते हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वो देवताओं की गिनती में आते हैं। बिना मांगे वो आपको भरपूर आशीर्वाद देंगे और भरपूर सुख समृद्धि भी देंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय लक्ष्मी। कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव भी लिखें, और इस वीडियो को 2-4 लोगों में शेयर कर दें जिनको जानकारी ना हो,
पूजन सामग्री या पूजा विधि की